चलो गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बड़ा सीधा सा चैप्टर है, सभी बच्चे अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, चले करें शुरू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, छह प्रकार के होते हैं बच्चों। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो जिस तरह से हम पिछले साल 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आते हैं, इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिस तरह से हम इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आते हैं बच्चों, उसी तरह यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है। इसी तरह यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स, तो ये एक एंगल होता है जो कि इनपुट होगा और एक वैल्यू होती है जो कि आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल साइन पाई बाई टू बराबर वन, टेन पाई बाई फोर बराबर वन। बोलो अब क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब एक वैल्यू होगी इनपुट और ये एक एंगल होगा आउटपुट, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स वन बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स वन बराबर पाई बाई फोर, इस तरह से। तो इसमें क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट एक एंगल होता है। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनपुट एक एंगल होता है। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनपुट एक एंगल होता है और आउटपुट एक वैल्यू होती है, जबकि इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनपुट एक वैल्यू होगी और आउटपुट एक एंगल होता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 11th में जो पढ़े थे हमने त्रिकोणमिति, उसमें थीटा एक इनपुट होगा और वैल्यू होगी एक्स, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट एक वैल्यू होगी और आउटपुट होता है एक्स। अच्छा बच्चे, एक चीज का और ध्यान रखना, कभी भी साइन इनवर्स एक्स को वन अपॉन साइन एक्स में लिख देना, कभी भी साइन इनवर्स एक्स को वन अपॉन साइन एक्स मत लिख देना। हाँ ऐसे लिख रहा हूं, साइन एक्स इनवर्स तो वन अपॉन साइन एक्स होता है, ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, साइन एक्स और इनवर्स तो वन अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है, देख रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात थी। इसके बाद में यहाँ पर एक बच्चों टेबल आती है जो कि हमारे काम की होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। यहां लिखेंगे बच्चों डोमेन। डोमेन को हिंदी में बोला जाता है प्रांत। प्रांत का मतलब है इनपुट वैल्यू। प्रांत का मतलब है इनपुट वैल्यू। सबको दिख तो रहा है ना प्रॉपर? ओके, यहां लिखा जाएगा परिसर रेंज। रेंज का मतलब परिसर, आउटपुट वैल्यू, और वो भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी, मुख्य मान,
क्योंकि इनवर्स फंक्शन बच्चों ओनली बाइजेक्टिव के ही एग्जिस्ट करते हैं। अभी बाइजेक्टिव क्या होता है ये पूरा चैप्टर आता है। इनवर्स फंक्शन एक एक ही आच्छा तक के ही विद्यमान होते हैं, वन वन ऑन टू के ही एग्जिस्टेबल होते हैं, इसीलिए इसकी केवल प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर की जाती, क्योंकि इसका डोमेन तो क्या होगा माइनस वन से वन, ये भी माइनस वन से वन, ये क्या हो जाएगा आर 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 माइनस माइनस वन से वन आर माइनस माइनस वन से, लेकिन इसका जो परिसर होता है वो माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू होता है, ये हमारे काम की चीज है। इसका जो परिसर होगा बच्चों वो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू शामिल, इसका परिसर जो होता है वो जीरो से फाइव शामिल, जीरो से पाई होता है, ओके। इसका जो होगा वो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ओपन, बेटा ओपन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनपुट वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसका परिसर जीरो से पाई ओपन, जीरो से पाई ओपन क्योंकि इनपुट इनफाइनाइट आता है, से इनवर्स एक्स का जीरो से पाई, लेकिन इसमें से माइनस फाइव बाई टू और इसका माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, लेकिन जीरो। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, साइन इनवर्स एक्स जो होता है माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू क्लोज्ड, कोस इनवर्स जीरो से पाई क्लोज्ड, ये बच्चों माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू ओपन, जीरो से पाई ओपन, ये जीरो से पाई माइनस फाइव बाई टू और माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू जीरो, इनको इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इन पर इनकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, और बच्चों इनफाइनाइट वालों को बच्चों कभी शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना इनफाइनाइट वालों को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, ओके बेटा। अच्छा इनमें देखो, इन तीन में नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, बट इन तीन में पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनके जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। इन तीनों के आंसर जो आएंगे बच्चों वो नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, बट कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनके जो आंसर आएंगे वो ओनली पॉजिटिव ही आएंगे। बेटा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों के आंसर बराबर से नेगेटिव और पॉजिटिव चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव भी आंसर निकलेगा और पॉजिटिव भी आंसर निकलेगा, लेकिन बच्चों इन तीनों के आंसर केवल और केवल पॉजिटिव आएंगे, कभी भी इनके आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। और इसी के भी आप पर हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स, बेटा जिनके आंसर में नेगेटिव आ रहा है उनमें तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, उनमें तो बच्चों नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, समझ गए। जिनमें नेगेटिव आता है उनमें तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन जिनमें नेगेटिव नहीं आता पाई माइनस, तो बच्चों जिन तीन में नेगेटिव आता है उनका नेगेटिव तो सीधा बाहर आ जाएगा, जिनमें नेगेटिव नहीं आता उनका नेगेटिव पाई के थ्रू बाहर आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, तो इसलिए उनके अंदर का नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, जबकि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स इनमें नेगेटिव बाहर नहीं आता, पाई के साथ बाहर आता है, और इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। एक बार देख लो सब बच्चे, दिख सबको रहा है ना बराबरी से,
ठीक है बेटा। और ये वाले टेबल हमारे खूब काम की होती है, ये वाली इसको सही तरीके से याद रखना, ये टेबल हमारे खूब यूजफुल होगी। ठीक, तो जो पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से एक नंबर का भी आता है, तीन नंबर का भी आता है। ओके, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। फाइव बी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करो। जैसे पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, यहां क्या लिखे ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स, पहले फॉर्मूला लिखना मत भूलना, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। और हम जानते हैं कि साइन में वन बाई टू 30 डिग्री, पाई बाई सिक्स आंसर। ये एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले फॉर्मूला साथ में लिखना, जैसे आ रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, पहले फॉर्मूला मेंशन करना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस पाई के साथ बार आएगा, बोलो पाई माइनस कहां पर होता है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मतलब हो गया थ्री पाई बाई फोर, आया नहीं आया। नंबर थर्ड ऐसे आ जाए बच्चों, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस टू कोस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन। एक एक नंबर की दावेदारी वाले क्वेश्चन, तो पहले जो अंदर के नेगेटिव है ना, उन अंदर के नेगेटिव उसको सही करें, तो इसका नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है माइनस टू, इसका नेगेटिव पाई के साथ बाहर आता है प्लस टेन इनवर्स माइनस, आ जाओ वन बाई टू का होता है बच्चों साइन में वन बाई टू 30 डिग्री, पाई बाई सिक्स, टू कोस में रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू ये भी पाई बाई सिक्स, और टेन में वन का होता है पाई बाई फोर। तो बेटा जिनकी वैल्यू जानो ना, जिनकी वैल्यू जानो उनकी वैल्यू डाल दो, जिनकी वैल्यू जानो उनकी वैल्यू डालते चले जाओ। सिंप्लीफाई कराना तो आपको भी आता है, पाई बाई सिक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो थ्री सिक्स में से पाई फाइव, पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर, एलसीएम ले लो फिर एलसीएम लोगे तो टू पाई चार बीस पाई तीन पाई, कितना हो जाएगा 23 में से तो 21 पाई, तीन से काट दो सात थी 21, आंसर इज 7π/4। तो ये तो ये माइनस बाहर, इसका माइनस जो है वो पाई के साथ, साइन में 1/2 का होता है 30 डिग्री, रूट 3/2 का होता है 30 डिग्री, एलसीएम लिया ये कितना हो जाएगा 6π/5π/6 बात। तो इस तरह से ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए। और अपनी जो एक्सरसाइज है आप लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करें, एक नंबर के इसी तरह के क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।